मैसेज नहीं कर कॉल मिला जी ना ना कॉल के मैसेज हां मैं कॉल जोर उसका करा ठीक है क्या हो गया मुझे दे मुझे दे सर नंबर ज्यादा है डॉक्टरों के हाँ निकाल के सर कर अभी ऑन कॉल में तो जो डॉक्टर का नहीं पता कि कॉल किसने करनी होती है इसी ने करनी सर इसी ने करनी होती है स्टाफ जो नर्स सर मैं इमरजेंसी पेशेंट हूँ ये सर हमें लाओ मैं कित खास हाँ स्पीकर ऑन करो और डॉक्टर साहब एक पेशेंट है कितनी देर में आ सकते हैं तरावी से जन्नत नहीं जाएंगे जन्नत जो है ना वो खिदमत से ऑन कॉल का है कहाँ लिखा है कौन सा वार्ड है आपका जी सर पद्मो वार्ड है सर ये हमारी सर होती है नेफ्रो का वार्ड सर आज क्या है थर्सडे जी सर जब खुदा ना खास कोई बहुत ज्यादा सीरियस मसला हो तो फिर हम इसको ऑन कॉल पे बुला लेते हैं लेकिन सर ये मौजूद होता है जब अभी अगर अभी भी हम इसको सर इमरजेंसी में ये देखे ना ये ओपीडी का है सर आज के दिन का टुडे थर्सडे अच्छा डॉक्टर लाइनबर्ग साहब ओपीडी करेंगे ओपीडी कर ले चले गए उसके बाद ये वार्ड का डॉक्टर सोहेल मुश्ताक सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट ये इवनिंग है सर ये इवनिंग इवनिंग कितने बजे तक होता है सर 8:30 तक का साढ़े आठ बजे यानी कि मैं आधा घंटा पहले आता तब भी मैं डॉक्टर यहाँ देखता सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो उस लिहाज से लेकिन ये था कि सर वो हम ऑन कॉल पे इनको बुला लेते हैं लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं सर शेख जैद में अल्हम्दुलिल्लाह सर आज तक इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ है कि कोई पेशेंट सीरियस हुआ हो मोबाइल निकाले अपना मोबाइल निकाले डॉक्टर साहब को कॉल करें डॉक्टर अब्दुल बाकी अचक से जी सर डॉक्टर अब्दुल बाकी अचक से कॉल करें स्पीकर ऑन करें बोले जी एक अर्जेंट पेशेंट है कितनी देर में आ सकते हैं एक मरीज मर रहा है मैसेज नहीं करें कॉल मिला जी ना ना कॉल के मैसेज हाँ मिला कॉल जोर उसका करा क्या हो गया मुझे दे मुझे दे सर नंबर ज्यादा है डॉक्टरों के हाँ निकाल के सर कर अभी ऑन कॉल में तो डॉक्टर का नहीं पता कि कॉल किसने करनी होती है इसी ने करनी सर इसी ने करनी होती है स्टाफ जो नर्स सर मैं कर मैं इमरजेंसी पेशेंट हूँ ये सर हमें लाओ मैं कित खास हाँ स्पीकर ऑन करो और डॉक्टर साहब एक पेशेंट है कितनी देर में आ सकते हैं तरावी से जन्नत नहीं जाएंगे जन्नत जो है ना वो खिदमत से डॉक्टर साहब ऑन कॉल का शौक पूरा हो गया सर आप बिल्कुल अभी ऑन कॉल नहीं है अभी मैं मरीज हूँ मैं क्या करूँ बिल्कुल सर आपने इधर ऑन कॉल लिखा हुआ है सर ऑन कॉल का जो सिस्टम है सर इस वक्त बिल्कुल लगा हुआ है लेकिन सर इस वक्त हो सकता है तरावी में लेकिन ये कि डॉक्टर सोहेल मुश्ताक को फोन करें जी सर डॉक्टर सोहेल मुश्ताक सोहेल का सर एक सर वो इवनिंग का है अभी वो चले गए कितने बजे गए यहाँ से सर अभी हम तो सर 8:30 तक सर चले जाते हैं सर सर होता है वैसे प्रेजेंट ये नहीं सर उसमें ऑन कॉल का सर बिल्कुल हम समझ ऑन कॉल तो आपकी फेल हो गया जी सर अब क्या करूं मैं एक पेशेंट हूं मैं मर रहा हूं अब मेरा इलाज करना है अब क्या करें आप इमरजेंसी जाएंगे सर इस तरह है कि हमारे पास मैं ऑलरेडी एडमिटेड हूं आपके पास आप बताओ सर पेशेंट क्या करें अभी इमरजेंसी अगर सीरियस हो गया तो सर इमरजेंसी से भी है हमारे पास सर इमरजेंसी में भी डॉक्टर है उधर से बुला बोलान से नहीं नहीं सर इधर से इमरजेंसी चले अपना दूसरा वार्ड दिखाएं सर ये डॉक्टर अहमद अल्लाह तला ठीक कर दे हमारे डॉक्टर्स की जो ऑन ड्यूटी है सर ट्यूसडे है ये फ्री डे है ये इमरजेंसी ऑन कॉल विद सर तो ये तो ये फ्री डे क्या होता है सर फ्री डे सर्जरी नहीं होती सर्जरी आपका नाम क्या है डॉक्टर वलीम चन्ना आपका तो इधर कहीं नाम नहीं है आज सर मैं एसएम हूँ
SMO is आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर है और मेडिकल ऑफिसर आपसे सीनियर होते हैं, यानी आप मेडिकल होता है फिर CA, SMO फिर CMO। आपके बॉस कौन है? मेरा बॉस डॉक्टर इदरीस साहब। अच्छा इदरीस साहब, ठीक है। ये भी कॉल पे हैं डॉक्टर, यानी कि जी सर ऑन कॉल, ये ऑन कॉल पे होते हैं सर, इनकी कल जो उसका रोशन दिखाएं, ये जो हमारे स्टाफ नर्सेस, स्टाफ नर्सेस कहाँ पर है? सज्जाद है सर, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ये आज का है? जी सर आज का। ये सवेरा अकबर साहब किधर है? तो इमरजेंसी में, नहीं ये हम कौन सी जगह पे खड़े हैं? ये है नाइट पे सजाद अहमद सर, बेटा आप हैं सजाद अहमद, ड्यूटी कर रहे हैं? चलो गुड, शाबाश, सब गुड, आई एम इंप्रेस्ड, एटलीस्ट कोई तो काम कर रहा है सुबह में, ठीक है ना, जबरदस्त काम कर रहा है। देर तो बस सुनो, कौन सी जबान बोलते हो? इसको अबू तो बस सुनो, अंत अब बीमार है? आज हमारा ये सडन विजिट था, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि ये हॉस्पिटल एटलीस्ट बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डॉक्टर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर जुल्फकार बलोच, वो यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स मौजूद हैं, सारे मेल नर्सेज मौजूद हैं। इट वॉज़ अ सडन विजिट, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पे मौजूद हैं तो दैट मीन्स के यहाँ काम हो रहा है। और ये जो आउटसोर्स करने का जो हम कह रहे हैं उसका रिजल्ट ये है कि जो आउटसोर्स हुआ है वो ज़्यादा क्लीनेंस वहाँ पे ज़्यादा है, डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, मेल नर्सेज ड्यूटी पे हैं, फीमेल नर्सेज ड्यूटी पे हैं, तो आई एम ग्लैड कि ये अच्छा काम कर रहा है। इसको मजीद इनक्रेज करेंगे हम, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ मशीनरीज़ की कमी है, हम इनको इनरिच करेंगे कि इनकी जो मशीनरीज़ हैं और वो हैं, और इधर एक ट्रामा सेंटर की बड़ी ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर बने। थैंक यू।